हेलो गाइस, आपका स्वागत है माय न्यू ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ तमड़िया डैम में। आप पीछे देख सकते हो, तमड़िया डैम ये अपने उत्तराखंड के काशीपुर क्षेत्र के पास पड़ता है, नैनीताल ज़िला। और आप देख सकते हो, इस पेड़ को बोड़ कहते हैं। इसकी जटाएँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। ये पेड़ काफ़ी मतलब पुराना है, लगभग 100-200 साल पुराना। और आप पीछे देख सकते हो, आपको अभी दिखाता हूँ मैं पीछे इसका नज़ारा। इसकी जड़ें काफ़ी लंबी हैं, काफ़ी है, मतलब ये जंगल की तरफ है। गांव छोटा सा गांव है, लगभग कस्बे टाइप का। और इसकी आप जटाएं देखो, काफ़ी ऊंचा है। ऐसे मज़े वाली बात यह है कि ये जो इसकी जड़ें होती है ना, इसे उबाल के इसे सिर धोया जाए, इससे बाल की बालों की साइज़ बढ़ जाते, बाल बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हो कितना ऊँचा है। अभी यहाँ एक मंदिर है, काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है, आपको वो भी दिखाते हैं। तो पहले मैंने सोचा ये आपको पेड़ दिखाया जाए जो काफ़ी पुराना है, एक भयानक पेड़ जैसा लग रहा है, जैसे भूतों का डेरा होता है। दोस्तों, ये अगर चलो आपको आगे लेके चलता हूँ पहले मंदिर में। गाइस, इस टाइम हम आ चुके हैं तमड़िया डैम के जंगल में। आप देख सकते हो कितना खतरनाक जंगल है, और रास्ते भी ऐसे उबड़ खुबड़ हैं। देखो सामने कितना बड़ा गड्ढा है, हरियाली काफ़ी है यहाँ। बस दिक्कत यही है, जो रास्ता थोड़ा उबड़ खुबड़ सा हो रहा है, यहाँ कार नहीं जा सकती इस टाइम, क्योंकि बरसात का मौसम है, इसीलिए रास्ते सारे ज़्यादातर ख़राब ही मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ जानवरों का काफ़ी खतरा रहता है। बीच में एक यहाँ लड़के को उठा के ले गया था बांध, शेर, उसे मार दिया था उसने। आप देख सकते हो बड़ा गंदा रास्ता है। दोस्तों, मुझसे तो मोटरसाइकिल भी नहीं चल रही यहाँ। आप देख सकते हैं रास्ते कितने गंदे हो रहे हैं। अभी आपको एक बहुत पुराने प्राचीन काल का मंदिर है, आपको दिखाते हैं, जहाँ काफ़ी टाइम पहले की बात है, वहाँ से सोना मिला था। और मंदिर काफ़ी बड़ा है, अभी आपको मंदिर का नाम भी बताऊंगा और मंदिर भी दिखाऊंगा। पहले आप ये जंगल देख लो, कितना ख़तरनाक जंगल है। अभी रास्ते में और ख़तरनाक रास्ते आएंगे। अभी जो बीच में काल पिक्चर बनी थी अजय देवगन की, वो भी इसी जंगल की है, रामनगर जंगल की। आपने काल मूवी तो देखी होगी। ये लिखा हुआ डेरा श्री हरिधाम, यहाँ कहीं आसपास हरिधाम भी है। एक यहाँ तमड़िया डैम में भोलेनाथ का मंदिर भी है। पर ये जो मैं आपको दिखाऊंगा प्राचीन काल का मंदिर, ये काफ़ी पुराना बहुत बड़ा मंदिर है। बस यहाँ के गांव वाले थोड़े इस चीज़ से परेशान हैं, रास्तों से, रास्ते गंदे हैं। और यहाँ पास में डैम पड़ता है, अभी रास्ता पक्का नहीं बना, मतलब पुल नहीं बनी, ऊपर से घूम के आना पड़ता है। जहाँ से हम जा रहे हैं ये तो कच्चे रास्ते हैं जंगल वाले। देखो गाइस, कितना घना जंगल है, रात के समय तो यहाँ बहुत डर लगता होगा। यहाँ पेड़ भी बहुत पुराने पुराने हैं, 200-300-500 साल पुराने। जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आगे खतरनाक रास्ते आते जा रहे हैं। देखो कितना गंदा और टूटा हुआ रास्ता। देखो आगे भैंस आ रही है। इस टाइम तो दोस्तों भैंस से भी डर लग रहा है, कहीं मार ना ले। एक और डर लग रही है हमें देख के, थोड़ी वो भी डर गई।
चलो दोस्तों थोड़ी सी और आगे चलते हैं। थोड़ी देर में अभी आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे और मंदिर का नाम भी बताएंगे। तमड़िया डैम काशीपुर के पास उत्तराखंड में है। देखिए अरे दोस्तों ये बीच में पास में गड्ढे हैं, यहाँ से मोटरसाइकिल से जो वीडियो बना रहे हैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। अभी आपको दिखाता हूँ ये रास्ता, देखो कितना खतरनाक है। रास्ता बना हुआ बीच में से, मिट्टी के बीच में से रास्ता बना हुआ है खदान करके। दोस्तों कितना खतरनाक रास्ता है और देखने में कितनी प्यारी जगह लगी हुई लग रही है। मन करता है यहीं खाना बना के खाएं, एंजॉय करें, पार्टी करें। दोस्तों बस हम जंगल के बाहर पहुंचने वाले हैं, फिर आपको दिखाते हैं, कराते हैं मंदिर के दर्शन। आप देख सकते हो ये भी कितना पुराना घर है, कच्चे मकान हैं और आप देख सकते हो काफ़ी पुराने हैं घर, जो मतलब गरीबी के कारण अपने मकान नहीं बना सकते। यहाँ टाइम पास ही बड़ी मुश्किल से करना होता है। देखो अपनी झुग्गी में सो रहे हैं जानवर है, और आगे देख सकते हो यहाँ थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है और कोई काम नहीं, जब मजदूर हैं यहाँ के। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ मंदिर से जाने से पहले, यहाँ रास्ते में जो जो परिवार पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी गरीब ही है इस गांव में, मतलब काम नहीं है जहाँ ज़्यादातर। आप पीछे देख सकते हो और इनके कपड़े टंग रहे हैं, चार पाई पड़ी हैं, छोटा सा पंखा चल रहा है, लकड़ियाँ हैं, एक भैंस बंधी है, एक बुजुर्ग सो रहा है। चलो आपको आगे और आगे लेके चलते हैं। आप देख सकते हो इस टाइम तमड़िया डैम में मैं भी दूसरे घर में आ चुका हूँ। पीछे देख सकते हो यहाँ काफ़ी बेरोजगारी है, आप कच्चा मकान देख ही सकते हो, पीछे टीने हैं और इसमें ये पीछे जो रखा हुआ है इसमें दाने रखे जाते हैं खाने वाले गेहूँ। और आप अंदर की लोकेशन देख सकते हो, ये यहाँ काफ़ी बेरोजगारी है, ये सब्जी का काम करते हैं। और दोस्तों काम तो है नहीं कोई, ज़्यादातर क्या करें, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और ये आप पीछे देख सकते देख सकते हो कितना सुंदर है। अब आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं। दोस्तों ये आप छत पे देख सकते हो, ये इस तरफ डैम है और इधर देखो आप कितना नज़ारा है। और यहाँ काफ़ी डैम की गहराई है और आगे घर हैं और इधर इस तरफ जंगल है। चलो मंदिर के और अंदर लेके चलता हूँ आपको। Thank you.
आगे आम का बगीचा है। देखो आप पेड़ देख सकते हो किनारे किनारे, और पास में जंगल है।